हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, जो हमारा जेएनवी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास इलेवेंथ का। ठीक है, तो क्लास इलेवेंथ का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है उसके बारे में, उसके बाद जो सीट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में बात करेंगे, और आपको किस तरह से इसमें एडमिशन मिलेगा वो सारी जो है वो डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, अगर आपका कोई भी डाउट होता है वीडियो के बाद, या फिर आप अगर मेरे चैनल पर कोई और वीडियो देखते हैं, तो आप क्या करें कि आप जो है वो टेलीग्राम पर एक मैंने ग्रुप बना रखा है स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम नाम से, इसकी लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप उसको जाके ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर जाके आप कुछ भी मुझसे जो है, जो भी आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर कोई भी सजेशन, तो आप मुझे इस पर जाकर दे सकते हैं। आप जो है वो कमेंट में कभी कभी बहुत पुराने वीडियोस में जाके कमेंट कर देते हैं, तो वो चीज़ कभी कभी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो जो नोटिफिकेशन ऑफिशियली जो इनका है इस बार अभी तक तो नहीं आया है, जनरली मई से जून में आ जाता है, तो वो उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद हम सीट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो पिछली बार का जो आपका नोटिफिकेशन है, जो इनका एडवर्टीजमेंट है, वो यहाँ पर देखिए दिख रहा है। ये नवोदय विद्यालय समिति जो है वो पूरा एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराती है, जितना भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर बोल सकते हो कि आप जो स्कूल्स हैं, जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उन सारे स्कूल्स को जो मैनेज करती है वो कौन करती है, नवोदय विद्यालय समिति जो है ये मैनेज करती है स्कूल को। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये जो है वो किसके अंदर है। देखिए, ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है चलेगा, ये थोड़ी सी डिटेल दी है इसके बारे में कि ये क्योंकि ये सेंट्रल स्कूल है, आपको पता ही है ना। अब यहाँ पर बात करें कि इन्होंने जो 1920, अब जो आएगा वो 20 और 21 का आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें लैटरल एंट्री, अब इसको क्या बोलते हैं कि लैटरल एंट्री बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी फ्रेश एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता इसमें, जो भी वैकेंसी आपकी खाली होंगी उसके अगेंस्ट ये जो है वो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो फिल करना है। आपको इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, बट आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको जो है वो एडमिशन के लिए फॉर्म तो फिल करना होगा। तो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन विंडो फॉर रजिस्ट्रेशन, ये लास्ट ईयर का देखिए कितना दे रहे हैं, 13/5, मतलब 13 में है। तो यहाँ पर ये अगर आप यहाँ ध्यान दो तो यहाँ कितना है, 13 में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर इसकी बात करें तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन, तो ये लास्ट डेट कितनी है, 10 जून। तो आपको लगभग कितना, एक महीने का या 28 to 30 days का आपको टाइम मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर टाइम मिल गया, अब इस टाइम के अंदर आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा इन्होंने अपने आपको स्कूल के बारे में थोड़ा दे रखा है, फ़ोटोज़ वगैरह। अब जनरल फीचर्स जो हैं उन्होंने दे रखे हैं कि बेस्ट रिजल्ट, इन्होंने जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर जो उसके फीचर्स हैं उसके बारे में बताया है कि यहाँ पर जेई मेन्स में 38% क्वालिफाइड फ्रॉम जो 11,733 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 38% स्टूडेंट्स ने क्वालिफाइड किया, जो कहाँ के थे, जवाहर नवोदय विद्यालय के लास्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 873 and 8,407 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर जेई एडवांस, तो जेई एडवांस के लिए कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, 873 लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं नीट में कितने, नीट में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, नीट में किया 8,407, 6 स्टूडेंट फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज क्लास, ही सारे इन्होंने फीचर देखे कि हमारे स्कूल की, मतलब एक तरह से इन्होंने तारीफ की अपने नवोदय के बारे में, जो उसके प्लस पॉइंट्स उनके बारे में बताया कि आपको वहाँ पर जाकर स्टडी क्यों करना है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो कैंडिडेट्स में रजिस्टर थ्रू, तो जो वेबसाइट है वो कौन सी है, ये वाली वेबसाइट है, ध्यान रखिएगा, www.navodaya.government.in, और दूसरी जो साइट है इस पर भी आप जा सकते हो, www.nvsadmissionclasses.class11.in, इसके बाद, ठीक है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए इसमें आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, जो आपका क्लास टेंथ का स्कोर होगा उसकी मेरिट के हिसाब से होगा, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हो सकता है आपका। देखिए, क्लास टेन में अगर आप जो है कि रिकॉग्नाइज्ड या गवर्नमेंट एफिलेट अगर किसी भी स्कूल से अगर आपने जो हाई स्कूल किया, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो अप्लाई करोगे तो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसको पहले चांस दिया जाएगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को आपको ध्यान रखना है, तो अगर हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो यहाँ पर अगर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो ये लास्ट ईयर का, देखिए कितना है,
1 जून 2001 से लेकर 31 मई 2005 तक। इसका मतलब अब जो डेट ऑफ बर्थ आएगी वो आपके मान के चलिए कि 1 जून 2002 आएगी, ठीक है। 2002 से लेकर आपके कितनी होनी चाहिए, 31 मई 2006 होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप एक साल दोनों में ऐड कर दें, और यहाँ पर जो 1 जून है और 31 मई है ये दोनों इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है अगर 31 मई 2006 है, इसका मतलब आप फॉर्म भर सकते हो इस साल के लिए। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जून 2002 भी है ना, 1 जून 2002 या उसके बाद है ना, उसके बाद कब तक, 31 मई तक, तब आप इन दोनों ही केसेस में फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। 1 जून वाले भी भर सकते हैं, 31 मई वाले भी भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब क्राइटेरिया है क्लास 11th के लिए अगेंस्ट वैकेंसी सीट, तो यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो उन स्कूल्स में होगा, सभी में नहीं, जिसमें ये सीट्स जो है वो अवेलेबल होंगी, अदरवाइज आपका नहीं होगा और मेरिट बेस पे होगा। मान लो कि अगर 5 वैकेंसी हैं किसी स्कूल में, तो जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले अप्लाई करेंगे उसको, मान लो फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो 95% वाला है, सेकेंड जो है वो 92% वाला है, फिर 91% वाला है, फिर यहाँ 90%, फिर 89%, तो 80 जो और जो है और स्टूडेंट ले लो आप 88% ले लो, तो ये जो 88 वाला है इसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो है शुरू के 5 ले लिए जाएंगे और उनका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें तो आफ्टर सेलेक्टिंग स्टूडेंट अगेंस्ट द वैकेंसीज इन द JNV ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अ कॉमन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट अ स्टेट लेवल। तो ये कॉमन मेरिट लिस्ट होगी, उसको डिस्प्ले करेंगे और आपको जो है वो बता दिएगा कि आप जो है सिलेक्टेड हैं या नहीं। अब देखो यहाँ पर एडिशनल वेटेज है किसके लिए, जो जिन स्टूडेंट्स के पास NCC है, स्काउट है, गाइड्स, तो उनके लिए स्पेशल मतलब उनको कुछ एडवांटेज दिया जाएगा हमेशा, ठीक है। स्पोर्ट्स गेम्स और स्ट्रीम्स जो अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर साइंस है, कॉमर्स है, वोकेशनल एंड ह्यूमैनिटीज़, ये सारी जो है वो स्ट्रीम है, देखिए उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, है ना, स्ट्रीम के बारे में। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये लास्ट ईयर का, ये कब का है, लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। अब यहाँ पर टेंटेटिव, देखिए यहाँ ये लिखा है, यहाँ लिखा है कि टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन, टेंटेटिव का मतलब ये होता है ज़रूरी नहीं कि जो वैकेंसी दिए वही रहेंगी और चेंज नहीं, हो सकता आने वाले टाइम में, अभी हो सकता है कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वैकेंसी बढ़ा दी जाए, है ना, हो सकता है कि जो ज़्यादा है वो कम भी हो सकती है, ठीक है। तो टेंटेटिव का मतलब, देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर है पहला, फिर स्टेट का कोर्ट है, फिर स्टेट का नेम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, और यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है वैकेंसी पोजिशन इन क्लास 11th आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन JNV स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मिनी माइग्रेशन वैकेंसीज ऑफ द फील्ड इज थ्रू द लेटर एंट्री। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें MP, तो MP में जो डिस्ट्रिक्ट कोड है 01 वो किसका है, भिंड का है, तो भिंड के अंदर अगर हम स्कूल की बात करें तो भिंड में जो JNV होगा उसके अंदर अगर हम वैकेंसी बात करें तो यहाँ पर 0 है। किस स्ट्रीम, देखिए स्ट्रीम कौन कौन सी है हमारे पास, हमारे पास जो स्ट्रीम है वो साइंस है, और हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रीम है, एक साइंस है, दूसरी स्ट्रीम हमारे पास कौन सी, यहाँ पर कॉमर्स है, फिर हमारे पास कौन सी ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट साइड है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कौन सी स्ट्रीम, वोकेशनल, ठीक है। ये 4 स्ट्रीम है यहाँ पर, है ना, तो साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड वोकेशनल। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो भिंड में साइंस में तो कोई भी सीट खाली नहीं है, लेकिन अगर कॉमर्स के तो कॉमर्स में ये अवेलेबल नॉट एप्लीकेबल या हाँ नॉट एप्लीकेबल ही बोलोगे उसको, है ना, तो कॉमर्स की वहाँ पर क्या है, कॉमर्स के वहाँ ऐसा बोल सकते हो कि वहाँ पर क्लासेस लगती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी इसकी बात करें बालाघाट के बारे में, तो बालाघाट में कितनी है, 7 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, 7 में जनरल और OBC की 7 है, और यहाँ देखिए कैटेगरीज होती हैं SC और ST, तो इनकी कितनी 0-0 है, तो टोटल आपको 7 है, तो 7 में आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा ह्यूमैनिटीज़ में अगर देखें तो हम फर्स्ट स्कूल की बात करें तो यहाँ भी ह्यूमैनिटीज़ भी नहीं है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर वोकेशनल, इसका मतलब भिंड के अंदर सिर्फ साइंस स्ट्रीम है जो क्लास 11th और 12th में पढ़ाई जाती है। देखिए यहाँ पर अब पूरी ऑल इंडिया का यहाँ पर दे रखा है, ये MP का हो गया, आप अगर आगे हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ का पूरा आप देखो, है ना, और अगर आगे देखिए यहाँ पर देखिए कितनी सारी सीट हैं, सब में 4-4 यहाँ पर, और यहाँ पर देखें तो किसी में 20 हैं, किसी में 18 है, ये होता क्या, देखिए इससे पहले 9th में लेटर एंट्री होती, तो 9th और 10th में जो स्टूडेंट्स होते हैं
वो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 11th में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उनकी वैकेंसीज को फिल करने के लिए हमें जो है वो ये वाली वैकेंसी फिल करनी होती है, ठीक है। तो क्योंकि 12th तक पूरा स्कूल जो है वो वैकेंसीज कम ना हो, कंप्लीट रहे, इसलिए ये लेटरल एंट्री से जो है वो एडमिशन लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर लेटरल एंट्री से नहीं लेंगे तो नया एडमिशन तो क्लास 6 में होना है, तो वो सारी जो सीट्स हैं, जो जितनी भी सीट्स हैं 9th और 11th के अंदर, वो सारी खाली रह जाएंगी और कोई फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा कि कोई स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ ले, ठीक है। तो रिसोर्सेज का सही से जो यूटिलाइजेशन है उसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ भी बहुत सारी, देखिए अब देखिए यहाँ पर 25 वैकेंसी यहाँ पर है ना, ये देखिए जम्मू कश्मीर में, ये आपका बुडगाम है वहाँ की बात हो रही, देखिए टोटल कितनी 25 और यहाँ नॉन एप्लीकेबल, ये तो सिर्फ यहाँ पर साइंस है, तो जनरली ज़्यादातर साइंस ही होगी, है ना, हर जगह। अब देखिए पंजाब में अगर आप देखें तो पंजाब में मैक्सिमम यहाँ मिलेंगे आपको साइंस में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो तो साइंस में कितनी सारी सीट्स हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देखिए ये अगर इसकी बात करें, यहाँ पर ये कॉमर्स सेकेंड नंबर पर कॉमर्स है और थर्ड नंबर पर आर्ट्स है, तो यहाँ पर देखिए आर्ट्स में यहाँ पर 8 वैकेंसीज हैं, है ना। और अगर किसी और की कोई ऐसा देखो जहाँ पर और भी हो, देखिए आर्ट्स यहाँ 0 हैं, यहाँ कितनी है 2 हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो अगर यहाँ वैकेंसी दिखा रहा है इसका मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रीम यहाँ पर पढ़ाई जाती होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो गया, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, बहुत सारे स्टेट हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो अपने अपने स्टेट के बारे में। और अगर आगे आए तो यहाँ पर देखिए ये 25 दिखा रहा है वैकेंसी, है ना। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है वो 16 दिखा रहा है, तो ये पर्टिकुलर वैकेंसी जो है आपको जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा कि भाई इस स्कूल में इतनी वैकेंसी है और आपको जो है वो अप्लाई करना है। फिर आप अप्लाई करोगे, मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देना है ना, तो बिना एडमिशन टेस्ट के आप मान के चलो। और यहाँ पर आगे देखते हैं कि यहाँ पर 40, ये कहाँ बिहार का औरंगाबाद की बात हो रही, तो 40 सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, है ना। ह्यूमैनिटीज़ में यहाँ पर 18 सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी 18, समझ रहे हैं आप। और यहाँ देखिए 63 गोपालगंज में 63 अवेलेबल है, यहाँ 46 अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ के लिए जो अप्लाई करेगा कितना फ़ायदा है उसको, 60 सीट्स अवेलेबल हैं, 55 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा सीट्स, 54 सीट्स अवेलेबल, टू मेनी सीट्स, है ना। अब यहाँ आगे बात करते हैं झारखंड, तो झारखंड और तो आगे महाराष्ट्र और गुजरात, ये आपका यूटी का दिया है, और अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, तो सबका जिस जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, ये सारा इन्होंने दे रखा है। और इस तरह से ये सारी सीट्स आपको मिल जाएंगी और आप उसके अपने अकॉर्डिंग आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, देख लें कि कहाँ पर कितनी सीट्स है। इसमें आपको एडमिशन टेस्ट नहीं देना है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर जो है वो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।